कि सर जी ट्रांसलेशन बता दो। लिखा था कि घोड़ा कबक कबक दौड़ रहा है। अच्छा कम ट्रांसलेशन होते रहे हैं बैल बुद्धि। और लिखा था सर जी इसका ट्रांसलेशन बता दो कि पेड़ चार देना टूट गया। ऐसा कौन ट्रांसलेशन होता है हैं? मेरी वो बछिया घसमरियां मार रही है। अबे मारेंगे गधा उठा के सीधे भचाक से गिर जाओगे लद से गधा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा आपने सही कहा, परीक्षा ले रहे तुम आए। अरे जिंदगी में नहीं आगे बढ़ पाओगे, शराब हमारा इस ब्रांडेड और नए जमाने के गुरुजी से। शराब नहीं, शराब भले मिल जाए लेकिन बेटा इस जमाने शराब तो नहीं लगने वाला है क्योंकि तेरे काबिल तो नहीं है। लेकिन बहुत मारे जाओगे ऐसा कमेंट करते हो बेवकूफ। आए शर्म नहीं आता है? जमाने के हिसाब से पूछो। घोड़ा कबड़ा कबड़ा उड़ रहा है, ऐसा कौन घोड़ा उछल रहा है? हाँ सही आपने कहा, घोड़ा उछल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा। इसका भी है ट्रांसलेशन, लेकिन सही मायने में बुद्धिमान है हम सब बताते हैं। इसका भी है बेटा, तुम क्या जाने नहीं बताएंगे गलत पूरा बता दे बता दो बता दे। आप सुनो, द हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट विथ लाउडली। हाँ अब ऐसे थोड़ी कर सकते हॉर्स रनिंग विथ कबड़क 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 कबड़क। अब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कबड़क 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 कबड़क। भाई साहब कहा गया ना, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश इफ यू डोंट नो अबाउट हाउ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, हाँ which words are going to speak, जो शब्द आप बोलना जा बोलने जा रहे हैं हिंदी वाला इंग्लिश में नहीं पता है तो दूसरा यूज करो भैया। हाँ मिलता जुलता यूज करो, हाँ वही है इंग्लिश। सामने वाला अगर समझ रहा तो समझ जाएगा, जान लीजिए। अगर आप समझ रहा तो जान लीजिए आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, बस समझ रहे ना। और कहते हैं भैंस घसमड़िया मार रही है, हाँ द बुफेलो इज टेकिंग बाथ, समझो इन मड, हाँ विथ पसर के मतलब विथ वाइडली एकदम चौड़ा होकर एकदम खुले एकदम अच्छे तरीके से एकदम मारे लपचिक लपचा लहरा फिर एक से बार देखे ऐसे मार पूछिए टिचुक ऐसे ऐसे मतलब कपड़े गंदे हो जाते। हाँ कितने गंदे। और ऐसे बहुत बार ऐसा होता कि भाई साहब भैंस जा रहे मारे चपाक मारे पूरा बर्बाद कर दिया, तो ये वाला दिक्कत है ऐसा। तो ये सब है। और पेड़ चर देना टूट गया, चर देना टूट मतलब द ट्री ब्रोकन, द ट्री ब्रोकन विथ चर, चर थोड़ी बोल पाएंगे यार। सुनो द ट्री वैसे ट्री ये पैसे वैसे हिसाब से लिखा जा सकता है कि ट्री वाज ब्रोकन विथ साउंड विथ लाउडली। पूरा देखो दे दूसरा सही बोले पूरा ट्रांसलेशन, दिमाग बैठा लो घोड़ा कपड़ा क्यों नहीं दूर रहा है, हाई सो उड़के मारा करा दो छपरा दे देखा मैंने नौटंकी नहीं बेटा, रियलिटी है लोगों को पसंद आता है। और आप लोग भले ही फेयर करते ये गलत बात है, समझ रहे हो। डे टू आज चलेगा डे टू जो टेंस का है भैया टेंस। तो सबसे पहले हम कल बता दिए थे कि भैया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट का भैया देखो पीडीओ आज चल रहा है तो प्रेजेंट थोड़ा सा रिपीट कर देना है कल वाला। और जो हम लोग का पास्ट था, पास्ट मतलब भूतकाल बीता हुआ समय, जैसे आपने भाई साहब कैरिमिनेटिक वीडियो देखा था बताए थे ना, तो पास्ट। और भाई साहब आप हमारा वीडियो अगला आने वाला लाइक करेंगे जरूर करोगे ना, इसलिए बोल दिए याद दिलाते हैं बीच बीच में हम। हाँ तो यही बोले थे तो मिला लिख दिया नहीं करेंगे, हमने कहा मार देंगे और बगल ये कर गए उखा लें झोटा वो भी बोल दिया कि सहलेंगे। अब बोल दिया सहलेंगे पूरा फ्यूचर टेंस बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तो सुनो
तो वो आज चलेगा, देखिए वो बताया था ना, तो आज चलेगा देखिए उनके, हम बताए थे टेंस दादाजी, टेंस दादाजी के तीन लड़के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अब इनके चार चार, तीनों के चार चार बेटे, कौन कौन भैया, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आई एन डी एफ आई एन आई टी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, अरे इसे देख लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब यही पूरा देखेंगे हाँ आराम से हम लोग, इस पे मत ध्यान दीजिए, पहले उसे देखो ध्यान से, अब ये चार चार एक है का भैया सम, अच्छा बहुत बार इसे सुने हो भैया, भाई साहब सर जी बोले हैं चलो इंडिफिनिट बताओ, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, कंटिन्यूस मतलब बीता हुआ और चल रहा समय, और परफेक्ट मतलब बीता हुआ हो चुका हो जो, और परफेक्ट मतलब जो कम चल रहा हो चुका, यही पढ़ते पढ़ते भाई साहब हमारे ना ऐसे भाई से कानों में ऐसे आया लगा ऐसे कैमरे वो हमारे सुन लेते रहन भाई दर्द भाई, लेकिन समझ में नहीं आता, जब खुद का प्रयास करें कि हम भाई साहब बच्चे ऐसे उबे ना ऐसे मैं हाँ सर जी मतलब वहाँ ही ना लगे, इस तरीके से हम चाहते थे पढ़ाना कि भाई साहब जिस तरीके सर जी हम लोग को पढ़ाते थे वो बल्ले नहीं पढ़ता था यार, और वहाँ ही ला गए, हम चाहते रहे ऐसा ना हो, अपने आप समझ में आया, तो इनडिफिनिट जो है इनडिफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कर, देखिए अब इसका हिंदी होता अनिश्चित, और अनिश्चित लिख दीजिए सीधा इसे थोड़ा हिंट मिल जाएगा, और कंटिन्यूस में काम चालू होता है, यहाँ चालू रहता है काम, इतना तो नॉर्मली पता का भाई, तो हम पता था काहे भी इस बार बता रहे हो, रुको भैया पूरा बता रहे हैं पूरा, परफेक्ट मतलब पूर्ण मतलब थोड़ा सा पूरा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ पूरा कुछ चालू, कुछ पूर्ण कुछ चालू, राइटिंग पे मत ज्यादा ध्यान दो, समय कम राहत है समझे, तो अब देखो अनिश्चित मतलब जोने का निश्चित काम ना है, जोने का निश्चित काम ना है वो इंडिफिनिट में आता है, जैसे हमने कहा भैया राम आम खाता है, कहे यार आगे बढ़ाओ थोड़ा, हाल यह हम उनके सर जी पढ़ाए रहे हैं, और यह सरजी को सर जी पढ़ाए रहे हैं, तो ये सब प्रथाएँ जो चल रही हैं वही हम लोग भी यही पूरा कर रहे हैं, राम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग, हम तो दूसर पढ़ाएंगे बेटा, ओ कुत्ता कुरकुर गु खाता है, मजा ए मजा बांध कर सी मजा बांध दियो, यह तो नीक लागत है कुरकुर गु मतलब गुह से, एक लड़के से पूछे थे बेटा ऐसा क्या चीज है जो गुह में तुम इतना मजा, कहा सची जब गुह का नाम आ जाता ना जो तुम मतलब मजा आ जाता है, ठंडी महीने में कुत्ते कुरकुर देखिए, ठंडी महीने कुरकुर तो अनिश्चित मतलब देखिए कोई समय नहीं, खाता है मतलब कब खाता है जाके देखो, वो भाई साहब कपड़ा वपड़ा परेस करके तब जाता है कि न्यौता करके आने के बाद खाता है कि बाजारे के बाद, कोई भरोसा नहीं, बस चब्बे तब्बे मन का चब्बे खा के चला गया उनका सूता है, समझ रहे हो ना, तो ऐसे तो मतलब कोई अनिश्चित, देखिए अनिश्चित इसका काम रहता भैया, डेफिनेटली उसका हिंदी एक्चुअल अर्थ होता है, देखिए डेफिनेट मतलब अक्सर पिक्चरों में सुना होगा डेफिनेटली कहा, डेफिनेटली आई विल आई विल किल यू, समझो हम तुम्हें मार डाल रहा हूँ, डेफिनेटली कहा डेफिनेटली तुम जाओ, तो निश्चित और इनडेफिनिट मतलब इनडेफिनिट अनिश्चित कोनों का समय नहीं पूरा है बस, और इसका अक्सर निशानी होता बस नॉर्मली से बातें की जाती हैं जो प्रेजेंट में अक्सर मतलब ऐसे नॉर्मली बातें होती हैं वो इंडेफिनिट होता है निश्चित, जो कब होता है क्या होता है कुछ समझो नहीं आप, और ये कंटिन्यूस मतलब काम चालू रहता है इसमें, जैसे भाई साहब आप हमको कई आठ मिनट से भाई साहब झेल रहे हैं कांट, हाँ झेल रहे हैं अच्छा देखो काम चालू है झेलना, ऐसे भाई बहुत सार गई जाए कब जाए दिमाग खराब, तो मतलब ऐसी बात है तो हम भाई साहब छोड़ दे पढ़ाई वहाँ किसी, अरे हम मर जाब नहीं जोड़ेंगे, काम चालू है आप देख रहे हैं हमें अपनी आँखों से प्यारी प्यारी आँखों से, और मने मन भाई 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 भरी गारी बेटा नहीं देते, देखिए परफेक्ट मतलब अब देखिए काम चालू, जिसमें काम चालू रहता है लगातारता कंटिन्यू करते रहो चलता रहे काम, जिसमें चालू रहे उसका कंटिन्यूस, भैया घोड़ा कबड़क कबड़क दौड़ रहा है आगे ना वही ट्रांसलेशन तो कंटिन्यूस वाला ही बोला था वो कि सर जी बताइए ट्रांसलेशन, सर जी नहीं बता पाई हैं हमने कहा हैं सर जी उल्लू है क्या बैठा है घास खिलते रहे पहले हैं कि अरे भाई से कूद कूद खिले अरे बेटा आगे टेंस पढ़ा चलो हम चड्डी पहन कैसे डाउट डोरी करते आओ बेटा टेंस पढ़ाई दी मजाक
डोरी कहानी कहाँ है, सही खुल गए। तो बेटा पर अब ये होता है, अब परफेक्ट मतलब पूर्ण, जो एक्चुअल में पूर्ण हो चुका पूरा, जैसे मोहन फकनारी झोर चुका है, झोर चुका है मतलब लगता नीचे पर गया है, और दूसरे के भाई साहब उनका भेद दिया जा सारे तले गया, चार लोगों को रहता है ना भाई साहब, एक आध लड़के के पकड़ लेते हैं, अच्छा चल चल तू दू छू दे दे दुकान, चलते लबदा पकड़ के लेके आओ, हमारे बहुत जोर है ना भैया, बहुत हमारे ढोरे ढोरे हैं जोरे में आए हैं हमारे भैया, वो तो बहुत जोर आए कहे चल तो काले कहे एक आध लबदा ऊपरों की यात्रा ऊपर से मारवो करते रहे, कहा तक समार के नहीं देखा चाहिए तो कहा दौड़ के तकाए ना, अब ऊपर से झोर दे तू लचक लबदा ऊपर गिर जाए तो हमारी गलती है, अब तू रुक के मार चाहिए ना, हमारे यहाँ रूल गलत है, हम एक बार बहुत विरोध करे हैं, और कुछ गांव में क्या होता भैया कि देखो मान लो पेड़ पे से गिर के हाथ को टूट गए तो क्या होता, पहले ले जाके अस्पताल में ले जाते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भैया, पेड़ पे गिर के टूट गया लड़े पल से अरे कैसे कैसे गिरा मतलब बहुत मारते हैं इसे ले अबे हाथ वहाँ टूट गया हाथ धट वहाँ रख हाथ टूट गया ना वहाँ रख मान लो अगर उखड़ गया ना अगर उखड़ गया है ए बार कर रे ये कर ऐसे जब साइड कर यार आओ हाथ वहाँ ला हाथ वहाँ से मार दीजा है साला दिमाग खराब, तो बहुत गंदा रूल है भैया, बहुत ऐसे ऐसे थोड़ी मोटा गया ना आधा मार मार फुलाए दे दे यहाँ बहुत, वो तो पहने है थोड़ा लग रहा है कुछ, और परफेक्ट कंडीशन मतलब कुछ फूट कुछ चालू, इसमें पूरा हो चुका होता है, वो आप खा चुका है, वह घर जा चुका है, वह मुझे भाई साहब डांट चुका है, मार चुका है, चुका लिया दिया किया, मतलब ये अक्सर जाता मतलब पूरा हो चुका होता है, जैसे इसका एक्चुअल फॉर्म हो जाता है कब, जब कोई टेंस के साथ ऐड कर दिया जाता है, जैसे वह चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, चुका था तो पांच परफेक्ट होता, चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता, तो ये और परफेक्ट कंडीशन क्या, कुछ पूर्ण कुछ चालू, कुछ पूरा रहता है कुछ चालू रहता है, समझो ना, अब इसका एंटी टाइप अब ध्यान सुनो, इसका कुछ पूर्ण रहता है कुछ चालू रहता है भाई साहब, जैसे भाई साहब जैसे मतलब कि सुबह सुबह झाड़ा हम लोग फिर रहे हैं, तो मतलब जैसे मान लो तुरंत के फोन कर देता है हेलो क्या करते हो, लैट्रिन कर देता ना, तो मतलब लैट्रिन वाला काम चालू भी रहता है कुछ, और कुछ कर भी चुके हैं कुछ, इतना कूड़ा मतलब पीला पीला जो भाई साहब जो मटर का दाना तुम खा के गए तो छिलका दिख रहा है उसमें, तो वो जो काम पूरा कर चुके हो तुम, और कुछ काम चालू अभी ना, ऐसे 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 नाचत होचत ऐसे 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 है नली में से आ रहा है, उसके बाद भाई साहब जब प्रेशर लगाओ धाक रिलीफ, तो ये जो मतलब कुछ पूरा हो चुका है कुछ काम, जैसे मतलब कि मोहन दो घंटे से भाई साहब पकनारी झोर रहा है, जब पकनारी झोर रहा है दो घंटे से तो भाई साहब कुछ झोर के रख ली हुई समझो ना, और कुछ ले लबदे भाजे ले ले कुछ गिर रहा है कुछ बाहर से का मतलब जनी वरहन लेके आओ थे गिर आओ थे भाई साहब हमार झोर ली, तो ऐसा होता रहता, अरे देखो यार निकल गया, तो इसीलिए आप कुछ पूर्ण कुछ चालू, कुछ पूर्ण रहता है कुछ चालू, दो घंटे से है ना, जब दो घंटे झोर रहा था तो कुछ झोर चुका मतलब तोड़ चुका होगा पकनारी आम, और तोड़ दो घंटे से ना भैया, और तोड़ रहा है तो कुछ तोड़ चुका है कुछ चल रहा है, तो ऐसा है कुछ पूर्ण है कुछ चालू है, इसीलिए इसको परफेक्ट भी कहा गया और कंटिन्यूअस वो कहा गया, तो ये था आज का पूरा डे टू, अब भैया देखो आराम से सीखा जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ज्यादा मर नहीं बस थोड़ा थोड़ा मतलब डे वन डे टू, और ट्रिक्स बताएंगे जितना भागा है, जैसे तो ना यस यस मौसी 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 या चाची नानी सब कहीं बुलाई कह सब पढ़ाई हिमला कह सही से जी मतलब कैसन एक फोटो भेजो कहे मारे बहिर ही जाबो गधा मतलब ट्रिक है, अच्छा वैसे हम खाला हमारे होते मौसी नाए होते समझ रहे हो ना, तो ये जो है डे टू खत्म हो चुका है, अब डे थ्री का बारी है, देखिए भगवान से प्रार्थना करो कि जल्द आई, और जिंदगी कौन भरोसा बच्चा कब कोरोना में कब के टपक जाए, चलो जय हिंद जय भतार भतार भारत।
ऐसे एक लड़की इमला लिख दिए थी भाई साहब, एक लड़की थी बाप का बताए, एक्चुअल बात है तो दिला ऐसे ना जैसे लड़की में कहते ना भाई साहब मेहरारू मेहरारू नाई मेहरारू, जैसे बिलारिन के कहते ना भाई साहब पेटों में नाई, वैसे पता नहीं ऐसा कबो कबो हो ही जाता है जैसे देख लेते हैं तो नहीं। ऐसे एक बार लड़की इमला बोल दी तो उसका नाम एक्चुअल में गुड़िया था ही, तो मातृ बुलाई गिर छोटा तो मेरा नाम डैश डैश मतलब गा के नीचे मात्रा नहीं है, डा पर छोटी मात्रा नहीं है, पराग मात्रा है, आप समझ जाओ का हो। अब अगले वीडियो में जय हिंद जय हिंद बाय।